हमारे कुंदन भैया का शादी होता है संपन्न, और यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए बैठे हुए हैं। तो भैया आपको शादी करके कैसा फील हो रहा है? डेली ब्लॉग में आएंगे, लेकिन एशियन पेंट की जो वॉल की पुट्टी लगी है ना, ये नहीं होगी। ये इसको ऐसे बार बार पलट के अप डाउन करने से बिजली बनती है, घूमेगा। एक मिनट रुक जाइए, आपकी साली जी कहाँ है? साली एक साली यहाँ पे है, और एक साली कहाँ है? साली से क्या करना है आप? साली आपकी शादी होगी, अमर भैया की शादी होगी, हमारे मनोज देव भैया की शादी होगी, हमारे कब होंगे? फिर आपको भी तो कुछ ध्यान देना होगा ना भाभी जी। लगभग 19 साल से बेइज्जती सह रहे हैं, आप आज भी सह लेंगे। बैक टू मनी ब्लॉग। तो कैसे आप सब? मेरे ख्याल से ठीक ठाक है गाइस। तो गाइस आज हम जा रहे हैं शादी में, और शादी किसका है पता है? हमारे बहुत ही बड़े यूट्यूबर कुंदन रॉय ब्लॉग्स का, जिनके शादी में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आने वाले हैं। तो आप लोग सभी से मिलवाएंगे, जैसे कि इट्स अभी रॉय, अमर भैया, और भी बहुत सारे यूट्यूबर आने वाले हैं। तो सबसे मिलाएंगे आप लोगों को, और कुंदन भैया का शादी एंजॉय करेंगे, पूरा मजा करने वाले हैं आज। आइए देखते हैं मजा आएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं कुंदन भैया के शादी में, और अमर भैया भी आ चुके हैं, देख सकते हैं। और हमारे कुंदन भैया देख सकते हैं कितना ज्यादा बिजी है, देख सकते हैं उधर बहुत ज्यादा बिजी है। और ये हमारे अभी रॉय भी आ चुके हैं, और ये हमारे मुकेश भाई। शख्स को पहचानते हैं? अभी तक अपना चेहरा रिवील नहीं किया, आज रिवील हो गया है। सबसे पहले यहाँ तक गाड़ी थी मेरे, यहाँ तक बाल थे। तो भैया शादी करके कैसा लग रहा है भाई साहब? फीलिंग ही अलग है, लेकिन चूंकि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कर रहे हैं। तो कुछ देर बाद हो जाएंगे फिर फ्री, कुछ घंटों के बाद। हमारे अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं, वकील साहब। इनकी शादी का जो है आज 15 साल चल रहा है। कुछ ऐसे भैया को भी दीजिएगा, बोलना पड़ेगा कि अच्छा ही चल रहा है। कैसा भी चले लेकिन अच्छा ही चल रहा है, ये डर अच्छा लगा। देखिए हमारे कुंदन भैया को उनके नाना जी समझा दे रहे हैं कि कैसे क्या करना है, क्योंकि नाना जी को 80 साल का स्टेशन है ना। कुंदन भैया इधर हो चुके हैं रेडी, देख सकते हैं फुल फॉर्म में, और ऊपर में सिर्फ पगड़ी बांधना ना, कुछ नहीं सही है ना। चलिए चलिए फाइनली गाइस, हमारे कुंदन भैया चल पड़े हैं भाभी जी को लेने के लिए। कब से? 2019 के बाद 2023 में। तो हो गई।
तो भैया आप लोग कैसा लग रहा है आप यहाँ इस पोजीशन में? एकदम रफ एंड टफ वाली फीलिंग आ रही है, मजा आ रहा है ना? उधर भाभी जी भी आ रही है उधर, इतनी खुशी की आंख आंख से धीरे धीरे सवर गई है, सवर इतनी जल्दी सवर रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दूल्हा का बड़का भाई भसान के पास नहीं जा रहे घुसोगे इसके बाद ही घर हमारे कुंदन भैया का शादी होता है संपन्न और यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए बैठे हुए हैं। तो भैया आपको शादी करके कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी मजा कर ले, कुछ दिन बाद सजा मिलने वाला है। अब लाइन ऑर्डर पास होगा यहाँ से तो ही कुछ आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ, तो होम मिनिस्टर साहब हमारे यहाँ अपना सारा का सारा दाम दाम इनके हाथों पे दे रहे हैं। ओह माय गॉड, अच्छा तो आप लोग भाभी जी को नहीं देखे तो आज देख लीजिए अच्छी तरह से। अब से डेली ब्लॉग में आएंगे कुंदन भैया के, डेली ब्लॉग में आएंगे, लेकिन एशियन पेंट की जो वॉल की पुट्टी लगी है ना ये नहीं होगी। हाँ, ये गजब बेइज्जती है, नहीं होगी, बस कुछ चेंज होने वाली है, अभी कुछ और है और अगले ब्लॉग में जो आएंगे कुछ अलग हो गए। पहले पूछ लीजिए अभी से, अभी भी मौका है, अभी मौका है। और इन एडवांस नहीं, एक बात और पूछनी थी, वो पवन ऊर्जा के बारे में पता है ना? पवन ऊर्जा, पवन चक्कियां घूमती है, पवन जो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है और जनरेटर बनता है, ये इसको ऐसे बार बार पलट के अप डाउन करने से बिजली बनती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, पला ना। हाँ हाँ, ये भाभी शर्मा आ गई। उनका दीप भी आ गई क्या?
एक मिनट रुक जाइए, आपकी साली जी कहाँ है? गजब तू भी आजाद नहीं। साली एक साली यहाँ पे है और एक साली कहाँ है? साली से क्या करना है आपको? साली आपकी शादी होगी, अमर भैया की शादी होगी, हमारे मनोज देव भैया की शादी होगी, हमारे कब होंगे फिर? You very chalak bro. बहुत चालाक, चालाक bro. भाभी जी गोपी 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 आई है। बाल बाल पर कैसे पूरे? अरे बाबा उससे कोई बड़ी है भाभी? उससे कोई बड़ी है क्या? हाँ है, बुलाइए थोड़ा भाभी, अभी हो जाए। क्या पता आपकी बेइज्जती ना हो जाए, बुलाने। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? देखा जाएगा, मंडप भी पूरा रेडी है, पूरा रेडी सेडी है मंडप भी, इसी मंडप में हो जाए। इनकार कर दिए तो देखा जाएगा, फिर भी बेइज्जती सह लेंगे। लगभग 19 साल से बेइज्जती सह रहे, आज भी सह लेंगे। बस लायक है क्या? तो दोस्तों ये था पहला पार्ट, आप लोग अगर सेकंड पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा सेकंड पार्ट में बहुत ज़्यादा एंजॉय हुआ है। आप लोग अगर सेकंड पार्ट नहीं देखे तो फर्स्ट पार्ट देख के आप लोगों को कोई फायदा नहीं। तो दो दिन वेट कीजिए, दो दिन बाद आपका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, उससे भी सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बगल में जो बेल आइकन उसको भी दबा दिया। तो गाइस जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बाय।